मैं प्रिया आपके साथ। एस राजमौली की फिल्म बाहुबली ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की दिशा को लगभग बदल कर रख दिया था। हालांकि जब 2015 में ये फिल्म रिलीज हुई तब राजमौली काफी चिंतित थे। उन्हें इस बात की आशंका थी कि कहीं फिल्म फ्लॉप ना हो जाए। राजमौली ने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि बाहुबली देश की पहली पैन इंडिया फिल्म थी। जब फिल्म रिलीज हुई तो उसे हर जगह से सराहना मिल रही थी, लेकिन तेलुगु भाषी राज्यों में फिल्म को लेकर बुरे रिव्यू सुनने को मिल रहे थे। राजमौली ने कहा कि फिल्म पर इतना ज्यादा पैसा लग गया था कि वे इसके भविष्य को लेकर परेशान हो गए थे। एसएस राजमौली हाल ही में अपने बहनोई डॉक्टर एवी गुरुवा रेड्डी के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपनी फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग के बारे में बात की। उन्होंने कहा, बाहुबली को हमने पूरे इंडिया में एक साथ रिलीज किया था, यहां तक कि अमेरिका और यूएई में फिल्म लगी थी। नॉर्थ इंडिया से लेकर पूरी दुनिया में फिल्म को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस सुनने को मिल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। इसकी वजह यह थी कि तेलुगु भाषी राज्यों ने फिल्म का अच्छा वेलकम नहीं किया। हमारी रोजी रोटी ही तेलुगु इंडस्ट्री से चलती है, इसलिए मेरे लिए ऐसे रिएक्शन सुनना सच में दुखदाई था। वहाँ के लोगों ने इसे फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर तक बता दिया था।